बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में नेक्स्ट एविडेंस को डिस्कस करना है और हमारे पास एविडेंस है एनाटॉमी से। तो सबसे पहले एनाटॉमी क्या है कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम एनाटॉमी कहते हैं। अच्छा, कंपेरेटिव एनाटॉमी का क्या मतलब है कि अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हम इंटरनल स्ट्रक्चर को आपस में कंपेरिजन कर रहे हैं, उनका मुवाजना कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगी, कंपेरेटिव एनाटॉमी। अच्छा, इस एविडेंस को डिस्कस करने से पहले जो एक बात हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे पास डार्विन है उसने कहा था कि कॉमन इंसेस्टर से सारी लाइफ का ओरिजिन हुआ है। कॉमन इंसेस्टर से मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन हुई, ए बी सी डी ई। तो उसने कहा कि इसको हम कहते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, कि डिसेंडेंट मॉडिफाई होके नए ऑर्गेनिज्म बनते गए। तो दूसरी चीज, कॉमन इंसेस्टर के बारे में क्यों कहा जाता है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की जो एवोल्यूशन है वो कॉमन इंसेस्टर से हुई है, ये इनमें पाई जाने वाली सिमिलैरिटीज। उसने कहा कि जब भी किसी चीज़ के कॉमन ओरिजिन होगा तो चीज़ें डिफरेंट तो होंगी लेकिन उसके बावजूद उनमें किसी हद तक सिमिलैरिटीज भी पाई जाएंगी। तो चाहे ए बी सी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, लेकिन चूंकि इनका इंसेस्टर अगर कॉमन है तो इनमें किसी हद तक क्या पाई जाती है, सिमिलैरिटीज पाई जाती है, सिमिलैरिटीज। तो ये डिसेंट विद मॉडिफिकेशन में जो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे उनमें क्या क्या पाई जाती है, सिमिलैरिटीज पाई जाती। तो जब हम एनाटॉमी को स्टडी करते हैं काफी सारे ऑर्गेनिज्म की, खासतौर पर जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं, तो हमें ऐसे नजर आता है कि उनका इंसेस्टर क्या है, कॉमन है, और वो उस कॉमन इंसेस्टर के डिसेंडेंट हैं, और उस डिसेंडेंट के अंदर मॉडिफिकेशन हो गए, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्टिब्रेट्स बनी है। तो यहीं से बात हम स्टार्ट करेंगे कि जब हम काफी सारे ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, इंटरनल एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में काफी हद तक जो सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन द स्पीशी, मुख्तलिफ स्पीशी के दरमियान जो एक ही ग्रुप में रखे गए हैं, जैसे मैं कहता हूँ एक ग्रुप हमने बनाया वर्टिब्रेट्स का, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है, फिश भी है, आप कह सकते हैं एम्फीबियंस भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, मैमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, लेकिन उन डिफरेंट कैटेगरीज के ऑर्गेनिज्म में कुछ बातें सिमिलर हैं। ठीक है, तो जैसे मैमल्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स की बात डिस्कस एग्जाम्पल में मैमल्स की करेंगे, तो उस मैमल्स के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के होने के बावजूद उनमें काफी हद तक क्या पाई जाती है, सिमिलैरिटीज पाई जाती है। तो सपोर्ट द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, तो ये इस डिसेंट विद मॉडिफिकेशन को आप सपोर्ट करती है, क्योंकि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन में हमने बात की थी कि जो डार्विन का बिलीव था यूनिटी ऑफ लाइफ, कि सारी जो लाइफ है वो एक कॉमन इंसेस्टर से निकली है। होमोलॉजी क्या है, कि एक कॉमन इंसेस्टर से जितने भी ऑर्गेनिज्म निकले हैं उनमें अगर सिमिलैरिटीज पाई जा रही है तो वो होमोलॉजी कहलाती है। तो सिमिलैरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक रिजल्टिंग फ्रॉम कॉमन इंसेस्ट्री, कि कॉमन इंसेस्टर की वजह से जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलैरिटीज पाई जा रही है वो क्या कहलाती है, होमोलॉजी पाई जाती है। अच्छा, होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या है, कि वो जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, फंक्शन डिफरेंट हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई मैमल्स की, तो मैमल का जो फोर लिंब है, कि दो किस्म के लिंग होते हैं, फोर लिंब आमतौर पर आगे वाला और हाइंड लिंब आमतौर पे पीछे वाला, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में फोर लिंब ऊपर वाला और नीचे वाला। तो फोर लिंब, जैसे इंसान का बाजू, इसी तरह जो बैट है, चमगादड़ है उसका पर, जो बिल्ली है उसकी अगली टांग, और जो व्हेल मछली है उसका फ्लिपर। हालांकि अगर देखा जाए इंसान का जो बाजू है उसका डिफरेंट फंक्शन है, चमगादड़ का जो पर है उसका डिफरेंट फंक्शन है, जो बिल्ली की अगली टांग है उसका डिफरेंट फंक्शन है, व्हेल का डिफरेंट फंक्शन, यानी ये किसी चीज को पकड़ने का काम करते हैं, ये उड़ने का काम करते हैं, फोर लेग भागने का काम करते हैं, फ्लिपर तैरने का काम करते हैं, तो फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन इन सब के बावजूद इनका स्ट्रक्चर एक जैसे, कि जो हड्डियां इंसान के अंदर है जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस, तो ये सारी हड्डियों की अरेंजमेंट इन सब में पाई जाती है, आर्म में भी, विंग में भी, फोर लेग में भी और फ्लिपर में भी। तो यहां स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर, और ऐसी एवोल्यूशन को हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट
एवोल्यूशन। तो कहा यह जाता है कि होमोलोगस स्ट्रक्चर बने कैसे, सबसे पहला वो जो स्ट्रक्चर जो सब में पाया जाता है वो किसी कॉमन इंसेस्टर में बना होगा, बाद में जब उससे डिसेंडेंट मॉडिफाई होके नए ऑर्गेनिज्म बने, अब वो जो कॉमन इंसेस्टर में स्ट्रक्चर बना है अब डिफरेंट इन्वायरमेंट में आके ऑर्गेनिज्म ने उस सेम स्ट्रक्चर से डिफरेंट काम लेना शुरू कर दिया। तो हमारे पास जितने भी हमने ये बात की है उनमें सब में एक ही जैसी हड्डियां होती हैं, लेकिन ये जो हमारे पास अपेंडिजेस हैं, अपेंडिजेस वो चीज़ होती है जो जिस्म से बाहर निकली होती है, जैसे हमारे बाजू, परिंदे का पर, तो मेन एक्सिस से जो चीज़ बाहर निकली होती है वो क्या कहलाती है, अपेंडिजेस। तो ये सारे अपेंडिजेस हैं, बाजू भी अपेंडिजेस है, टांग भी अपेंडिजेस है, आपके पर भी अपेंडिजेस है, तो वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हड्डियां उनमें एक है लेकिन फंक्शन क्या वो परफॉर्म करें, डिफरेंट फंक्शन, और हो सकता है वो जो डिफरेंट फंक्शन है उनकी रिक्वायरमेंट हो जिंदा रहने के लिए। तो इस तरह की एवोल्यूशन को हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्ज का लफ्जी मतलब है किसी एक पॉइंट से चीजों का बिखरना, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होती है कि कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर क्यों हो जाती है, जैसे यहां स्ट्रक्चर सिमिलर है तो इसकी वजह क्या है, इज द कंसिक्वेंस, ये नतीजा है ऑफ डिसेंट ऑफ ऑल मैमल फ्रॉम द कॉमन इंसेस्टर। तो स्ट्रक्चर का सिमिलर होना ये बात इस बात की निशानदेही करता है कि जितने भी मैमल है वो किसी ना किसी कॉमन इंसेस्टर से निकले हैं, और फिर इनमें जो वेरिएशन आई है कि आर्म्स का डिफरेंट फंक्शन है, विंग का डिफरेंट फंक्शन है, ये एक कॉमन एनाटॉमिकल थीम्स, यानी एक स्ट्रक्चर पहले कॉमन था सब में, लेकिन उस स्ट्रक्चर से उन्होंने डिफरेंट फंक्शन लेना शुरू कर दिया, डिफरेंट फंक्शन लेना शुरू कर दी। तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, यानी कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो सिमिलैरिटीज आई है वो इस बात का नतीजा है कि सारे डिसेंडेंट एक कॉमन इंसेस्टर से निकले हैं, लेकिन वो चूंकि डिफरेंट इन्वायरमेंट में या डिफरेंट कंडीशन में गए तो उन्होंने उन सेम स्ट्रक्चर से डिफरेंट काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की एवोल्यूशन को हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अच्छा, बाद हम क्या कहते हैं कि एवोल्यूशन में रीमॉडलिंग भी हो रही होती है। रीमॉडलिंग का क्या मतलब है कि एक स्ट्रक्चर जो एक काम कर रहा था, बार दफा वो अपना अगली सिचुएशन में, अगले एनवायरनमेंट में या अगली कंडीशन में या अगले डिसेंडेंट में, कोई भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है वो अपने उस फंक्शन की जगह कोई नया फंक्शन अडॉप्ट कर ले। तो इसको हम कहते हैं रीमॉडलिंग, कि पुराना जो मॉडल है वो एक नई शक्ल में सामने आया है। तो इंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर, बार दफा ऐसे स्ट्रक्चर जो इंसेस्टर में मौजूद है, दैट फंक्शन इन वन कैपेसिटी, जो एक कैपेसिटी में कोई और काम कर रहे थे, बिकम मॉडिफाइड एंड टेक न्यू फंक्शन। जैसे हमारे पास लीव का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, अब फ्लावर्स में जितने भी पार्ट्स हैं वो लीव की मॉडिफिकेशन से बने, जैसे पेटल्स भी लीव की मॉडिफिकेशन से बना, सेपल्स भी, स्टेमन्स भी, कार्पल्स भी। अब पेटल्स का फंक्शन डिफरेंट है, जो हमने पढ़े थे फर्स्ट ईयर के अंदर, पूरा फ्लावर का टॉपिक डिस्कस किया था, पेटल्स अट्रैक्शन करता है, सेपल प्रोटेक्शन करता है, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अब ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इनका ओरिजिन एक कॉमन पॉइंट से है, और वो कॉमन पॉइंट क्या है, लीव्स, तो इनको भी हम होमोलोगस स्ट्रक्चर कहेंगे। क्योंकि हमने बात की कि होमोलॉजी है ही कि अगर इंसेस्ट्री कॉमन हो तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो सिमिलैरिटीज आती हैं स्ट्रक्चर के हवाले से, तो वो क्या कहलाते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो यहां भी चूंकि ओरिजिन एक ही जगह से हो रहा है तो डिफरेंट फंक्शन करने के बावजूद इनके काफी हद तक आप कह सकते हैं इनमें सिमिलैरिटीज पाई जाती है। अच्छा, एनालोगस स्ट्रक्चर क्या है, ये यहां तो हमने बात की होमोलॉजी की, कि कॉमन इंसेस्टर है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है कि एक कॉमन पॉइंट से चीज बिखर रही है। अब दूसरी एवोल्यूशन की टाइप है जिसमें एनालोगस स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या है कि यहां इंसेस्टर डिफरेंट है, लेकिन वो जब किसी एक एनवायरमेंट में गए तो कुछ चीजें उनमें सिमिलर होना शुरू हो गई फंक्शन के एतबार से, हालांकि इसका पास स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसके पास स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसके पास डिफरेंट है, लेकिन एनवायरमेंट सेम होने की वजह से उन्होंने इन डिफरेंट स्ट्रक्चर से सेम काम लेना शुरू कर दिया। यहां क्या हुआ कि जब कॉमन इंसेस्टर के डिसेंडेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में गए, उन्होंने सेम स्ट्रक्चर से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया, और यहाँ डिफरेंट एनवायरमेंट से आने वाले ऑर्गेनिज्म जब एक एनवायरमेंट में आए, एनवायरमेंट सेम होने की वजह से उन डिफरेंट स्ट्रक्चर से उन्होंने सेम काम लेना शुरू कर दिया। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर के एतबार से डिफरेंट हो, फंक्शन के एतबार से सेम हो, तो उसको हम कहते हैं ये एनालोगस स्ट्रक्चर, जैसे चमगादड़ का पर, परिंदे का पर और एक इंसेक्ट का पर, जैसे मक्खी का पर, स्ट्रक्चर वाइज तीनों डिफरेंट है
लेकिन सबने एक ही काम करना है, वो है फ्लाइट का, क्योंकि हवा में उड़ने के लिए विंग को फ्लाइट करनी पड़ेगी। तो इस वजह से अब स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट है लेकिन काम सबका एक है, क्योंकि एनवायरनमेंट सबका एक है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे मुख्तलिफ घरों से स्टूडेंट आते हैं, क्लास में बैठते हैं, अब मुख्तलिफ घरों से आए हैं लेकिन क्लास में अगर बायो पढ़ाई जाए वो सारे बायो पढ़ेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट उस वक्त किसका है, बायो का। तो मुख्तलिफ जगहों से जब ऑर्गेनिज्म आए एक एनवायरनमेंट में तो कुछ चीज़ें उनमें कॉमन होना शुरू हो गई, फंक्शन वाइज कॉमन होना शुरू हो गई। तो ऐसे एवोल्यूशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट, लफ्ज़ी मतलब कन्वर्ज का ये है किसी कॉमन पॉइंट पे जाके मिल जाना। तो यहाँ सेम फंक्शन किस बुनियाद पे है, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर से उन्होंने परफॉर्म किया रिजल्टिंग फ्रॉम द सेम हैबिटेट, वो सेम हैबिटेट का नजदीक। तो ये भी एक एवोल्यूशन हो रही कि डिफरेंट चीजों ने एक एक तरह का काम करना शुरू कर दिया है, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अच्छा, विस्टिजियल ऑर्गन क्या है? विस्टिजियल ऑर्गन को थोड़ा सा मैं अगर कॉमन एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे हमारे हमारे आप कह सकते हैं कि म्यूजियम है, उसमें तलवारें रखी होती, अलग हमारे आबाओ अजदाद ने तलवारों से जंगों का काम लिया है, लड़ने का काम लिया। लेकिन आज के दौर में अगर कोई शख्स जंग में तलवार लेके चला जाए तो आप कहेंगे कि वो तो काम करेगी नहीं, क्योंकि पहले जो ज़माने के अंदर जो हमारे आबाओ अजदाद थे उनकी रिक्वायरमेंट तलवारें थी लड़ाई के लिए। लेकिन आजकल टोटली ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो गया, आप कह सकते हैं पिस्टल्स इस्तेमाल होती हैं या क्लाशनकोफ इस्तेमाल होती हैं, बड़े बड़े टैंकर इस्तेमाल होते हैं, हवाई जहाज़ इस्तेमाल होते हैं। तो आज कल इस तलवार को हम सिर्फ एक यादगार के तौर पर रखते हैं म्यूजियम के अंदर, एक यादगार, भाई हमारे बड़ों ने ये लड़ाई लड़ी थी, इसके जरिए से लड़ाई लड़ी है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन तलवारों की तरह है कि ऑर्गेनिज्म में अब इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन ऑर्गेनिज्म ने उनको यादगार के तौर पे रखा हुआ है कि वो अपने बड़ों की याद दिलाती है उसको। इसी तरह तो वेस्टिजियल ऑर्गन जिनका अब यूज ना हो लेकिन इंसेस्टर में उनका यूज होता था, तो ऐसे ऑर्गन को कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, रूडिमेंट्री इब्तदाई, कि जो इंसेस्टर में तो थे लेकिन मार्जिनल यूज, अब ये किसी काम के नहीं। तो ये तारीखी यादगारें हैं, रेमिनेंट्स कहते हैं यादगारें, जो इंसेस्टर में जो काम करते थे लेकिन प्रेजेंटली उनका कोई फंक्शन नहीं है। जैसे वेल और स्नेक, इनका चलने से कोई ताल्लुक नहीं, ये तैरती है, ये आप कह सकते हैं रेंगता है अपने पेट के भर, ठीक है, तो इनके अंदर दोनों के अंदर लेग्स नहीं है, लेकिन इनकी बॉडी में जो लेग बोन है उसकी विस्टाइजेस पाई जाती है, बकिया जात मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगता है ऐसा कि इन दोनों के इंसेस्टर पहले चला करते थे, बाद में इन दोनों ने चलने वाला जो मैकेनिज्म है उसको कम कर दिया, एक ने तैरना शुरू कर दिया और एक ने रेंगना शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि इनके इंसेस्टर में ये चीजें थी तो आज भी इन्होंने अपने यादगार के तौर पर इन चीजों को बाकी रखा हुआ है। जैसे अपेंडिक्स इन कार्निवोर्स, अपेंडिक्स का फंक्शन जो हर्बीवोर्स में है वो ये था कि डाइजेशन ऑफ बार्क, जो खासतौर पे वुड प्लांट वाले स्ट्रक्चर है काफी सारे, उनको डाइजेशन करने में अपेंडिक्स इस्तेमाल होती है। लेकिन जब उन हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स बने, उनकी एवोल्यूशन हुई, अब कार्निवोर्स ने तो गोश्त खाना है, प्लांट तो खाने नहीं, तो इस वजह से अभी अपेंडिक्स इनकी बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। तीसरा, एयर मसल्स इन ह्यूमंस, हालांकि अगर आप देखा जाए जो बकरी वगैरह है या गधा वगैरह उसके कान पे अगर हाथ लगे तो उसका कान बड़ी तेजी से हिलाता है, लेकिन हमारे जो कान है मसल तो हैं वही वाले जो बकरी के पास हैं या गधे के पास, लेकिन हमारे मसल्स की वजह से कान इतनी तेजी से मूव नहीं करता, यानी अगर कोई यहाँ मक्खी आके बैठ जाए तो हमारे जो कान है उस मक्खी को हटा नहीं सकते इन मसल्स के जरिए। हालांकि जानवरों के अंदर मक्खी हो तो वो अपने कान हिला के उसको हटा रहे होते हैं। तो ये जो हमारे मसल्स हैं ये वेस्टिजियल, तो यहाँ भी एवोल्यूशन हो रही है कि पहले स्ट्रक्चर काम करते थे, अब वही स्ट्रक्चर यादगार के तौर पे तो बॉडी में मौजूद हैं कि बड़ों की याद दिलाते हैं, लेकिन उनका कोई काम हमारी बॉडी में मौजूद नहीं है। तो यहाँ काम का खत्म होना, तो अगर देखा जाए यहाँ क्या हो रहा है कि एक स्ट्रक्चर से अगले डिसेंडेंट ने डिफरेंट काम लिया, और यहाँ क्या हुआ कि एक फंक्शन की जगह दूसरा फंक्शन आ गया, यहाँ क्या हुआ कि डिफरेंट स्ट्रक्चर ने एक जैसा काम करना शुरू किया और यहाँ काम छोड़ दिया। तो ये जो मॉडिफिकेशन आ रही है आने वाली जनरेशन के अंदर, तो ये डिसेंट विद मॉडिफिकेशन कहलाती है। तो डार्विन जो एनाटॉमी है, ये डार्विन ने इसको स्टडी नहीं किया था, ये न्यू रिसर्च जब आई है तो ये न्यू डार्विनिज्म की एविडेंस है कि जिसमें एनाटॉमी से हम एवोल्यूशन या डार्विन की थ्योरी को प्रूव करने की
कोशिश करें। तो यहाँ एनाटॉमी से भी बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि एवोल्यूशन लाइफ में हो रही है, लाइफ के अंदर चेंजेस आ रही हैं, लाइफ के अंदर मॉडिफिकेशन आ रही है, जिसकी वजह से नए नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। तो अब हमारे पास दो रहेगी एविडेंस, एक एम्ब्रियोलॉजी और एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसको इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।